राजधानी के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र रामसागर पारा वार्ड को आज 2,55,00,000 रुपए की सौगात मिली है। आगामी दिनों में वार्ड की सड़कों के डामरीकरण और ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया जाएगा। आज इस कार्य का शिलान्यास पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने भूमि पूजन के द्वारा किया। इस मौके पर राजधानी के महापौर प्रमोद दुबे, MIC सदस्य सतनाम पनाग, वार्ड की पार्षद संध्या दिनेश शर्मा भी मौजूद रही। आज पूरे क्षेत्र के अंदर खास करके रामसागर पारा वार्ड में पूरी नालियों का रिपेयरिंग और उसके बाद में रोड का निर्माण लगभग 2,55,00,000 रुपए करीब का काम का आज हमने भूमि पूजन किया है। हमारी कोशिश है कि इस रायपुर शहर के जितने वार्ड है व्यवस्थित हो जाए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए, रोडें ठीक हो जाए, जनता को आवागमन की सुविधा मिल जाए, भविष्य में और भी जो काम चल रहे हैं उन काम को कंप्लीट हम करके आम जनता को राहत दे दें, उसके लिए सब लोग मिल करके और रायपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में हम सबका योगदान रहे, आज उसी के तहत इस रामसागर पारा वार्ड के कार्यक्रम में आया। हमारे रामसागर पारा वार्ड में आज 105,00,000 के भूमि पूजन का माननीय मंत्री जी के हाथों किया गया है। भूमि पूजन का कार्य इसमें अधिकाधिक हमने ड्रेनेज सिस्टम को ध्यान में रखते हुए नालियों का निर्माण ज़्यादा मतलब लिया है। इसके अलावा जो रोड का कार्य है वो भी हमारे द्वारा संपन्न किया जाएगा। कि माननीय मंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि सभी जगह में रोड का कार्य किया जाएगा, डामरीकरण किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आगे में कोई दिक्कत होगी। और जिस तरीके से और वार्डों में होता है कि पहले रोड बनाई जाती है और फिर बाद में खोद के फिर नालियों का निर्माण किया जाता है, तो इस तरीके से शासन का जो पैसा है वो उसका दुरुपयोग होता है। और मेरी यही सोच है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि शासन के किसी भी पैसे का भी हानि ना हो और पब्लिक को पूरी तरीके से लाभ मिल सके। नारायण नारायण।